गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः ऑनलाइन क्लासेस में एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले एक आवश्यक सूचना आप लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया जाएगा। वह सूचना है, ओरल टेस्ट ऑफ केमिस्ट्री विल बी हेल्ड टिल सैटरडे। आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि किस दिन आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि आज आपका ट्यूसडे है, सैटरडे तक एग्जाम लिया जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। टॉपिक्स है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये टॉपिक्स आपका रहेगा मेटल नॉन मेटल्स, मल्टीपल च्वाइस रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा और एक स्टूडेंट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव ओनली ऑब्जेक्टिव। जैसे राइटर या वन एग्जांपल ऑफ द ओर्स ऑफ आयरन, एक एग्जांपल बताएं जो आयरन का ऑक्साइड्स है या आयरन का ओर्स है, इस तरह से प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग उसको डीपली सेंटेंस वाइज स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर हमारा 11 से स्टार्ट होगा, 13 से होगा, 10, 11, 12 तक आपको डेट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है कि हाउ मेनी 3-digit, 3-digit होता है 100 से लेकर 99 तक। ये सबसे छोटा नंबर हुआ 3-digit का, ये सबसे बड़ा हुआ 3-digit का। इस दोनों के बीच में इतना कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। 100 से लेकर 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल। तो सबसे पहले तो आपको एक ही बनाना है। पहला टर्म खोजिए, 7 × 7 = 35, 105। दूसरा टर्म 112, 7 × 7 = 42। तीसरा टर्म 119, 7 × 14, 7 × 14 यहाँ बच गया, 7 × 7 = 44। इस प्रकार से आपका एक ही बंदर तैयार हो गया। यह देखना है कि इसका अंतिम टर्म क्या होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको 999 में 7 से डिवाइड करना होगा। 7 × 7 = 9 में 7 गया 2, 7 × 28, 7 × 28 आपका हो गया, 9 × 8 = 1, ये हो गया 19, 7 × 14, 9 × 4 = 5, ये 5 आपका रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब है कि 7 से डिवाइड कहाँ तक होगा, 999 में 5 को घटा दीजिए 994, अंतिम टर्म आपका 994 होगा। इस प्रकार से हमको क्या क्या पता हो गया, एन भी मालूम हो गया, ए भी कंफर्म हो गए ए बराबर 105, बी भी कंफर्म हो गए 112 × 105 = 7। अब एक फॉर्मूला आप लिखिए, ए प्लस एन माइनस 1 × d = an। ए का वैल्यू आपका 105 है, एन ऐसे रहने दीजिए, बी का वैल्यू आपका 7 है बराबर 994। एन माइनस 1 × 7 = 994 × 105। 105 घटाइए 14 में 5 गया 9, 8 गया तो 889, ये आपका हुआ 889। एन माइनस 1 = 889 / 7 आपका हो गया 7 × 7 = 14 / 7 × 14 = 7 × 7 = 14 और आपका हो गया यहाँ पर
49 127 सात एक सात एक बचा यहाँ पर 18 सात दूनी के 14 चार सत्य 39 एन बराबर 127 प्लस 1 इस 1 को इधर लाएंगे माइनस है तो प्लस होगा 128 नंबर ऐसे होंगे 100 और 999 के बीच में 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले तो मैंने एपी तैयार किया, एपी तैयार कर लेने के बाद ए का पता किया, बी का पता किया, ए अंक का पता किया, ये तीनों कंफर्म हो जाने के बाद इस सूत्र का मैंने अप्लाई किया और जो नॉन है उसको फुटर किया और नॉन को ऐसे रहने दिए, एन का मान स्वतः निकल गया। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन द 10 एंड द 250। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होगा, जो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं। चार का चार, चार दुनिया 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, पहला मल्टीपल 12, 4 4 16, 4 5 20, लेकिन अंतिम में क्या होगा, जो इसका अंतिम टर्म होगा वह क्या होगा, आपको डिवाइड करके निकालना होगा। 250 डिवाइड 4, 4 6 24, 5 में 4 11, 4 2 8 आपका 2 250 में 2 घटा दीजिए 248, आपका अंतिम टर्म हुआ 248। अब चलिए नंबर ऑफ टर्म निकालना है 10 और 250 के बीच में कि कितने 4 के मल्टीपल होंगे, तो ए बराबर 12, डी बराबर 16 घटा 12 बराबर 4, एन बराबर 248, एन बराबर 248, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन, ए का वैल्यू 12, एन आपको निकालना है, डी का वैल्यू 4, एन 248, एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 घटाओ 12, 248 में 12 को माइनस कीजिए, 8 में 2 गया 6, 4 में गया 3, 236, 236, एन माइनस 1 बराबर 236 अब्लिक 4, 4 5 20 बचा यहाँ पर 3, 4 9 36, एन बराबर 59 प्लस 1 बराबर 60। डियर स्टूडेंट्स 60 4 के मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 7 ही मल्टीपल होंगे, जैसे 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, ऐसे करते करते मात्र 60 मल्टीपल आएंगे 250 तक में। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हुआ एन बराबर 60। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 तो हो गया 15, फॉर व्हाट वैल्यू एन आर दी एन टर्म टू ए बी कितना इधर इक्वल। डियर स्टूडेंट्स आपको क्या दिया गया है, दो प्रकार के एपी दिया गया, एक एपी इधर है 15 नंबर और एक एपी इधर है, और इस एपी का जो सीरीज है वह 63 है, 65 है, 67 है, और इस एपी का सीरीज है 3 है, 10 है, 17 है, 3 है, 10 है, 17 है। देखिए तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यह आपका एसेंडिंग ऑर्डर में है, 63 के बाद 65 67 तीन दस दोनों एसेंडिंग आर्डर में, दोनों आपका एसेंडिंग आर्डर में, लेकिन एसेंडिंग आर्डर का जो डिफरेंस है वह दोनों में अंतर,
यह कितना डिफरेंस लेकर चल रहा है, दो का डिफरेंस लेकर चल रहा है, ये आपका सात का डिफरेंस लेकर चल रहा है। अब रही बात की यह दो का डिफरेंस या सात का डिफरेंस, एक ही डायरेक्शन में अगर चला जाए, एक ही डायरेक्शन में चला जाए तो कितने स्टेप तक हमको चलना होगा कि दोनों में एक ही प्रकार के टर्म आ जाए, हमको कितने टर्म तक डिपार्चर करना होगा कि दोनों में एक ही नाम से सेम टर्म आ जाए, जबकि दोनों का जो प्रोग्रेसिंग है, जो सीरीज है, वह एक में डिफरेंस दो का है, एक में डिफरेंस सात का है, लेकिन ऐसा टर्म होगा कुछ दूरी तय करने के बाद कि दोनों में सेम टर्म आ जाएगा, यही हम लोगों को निकालना है। अब डिकोडिंग कीजिए, ए का वैल्यू 63, डी का वैल्यू 65 घटाओ 63 बराबर 2, एन बराबर 1, एन बराबर 1। इसका भी निकालिए, ए बराबर 3, डी बराबर 10 घटाओ 3 बराबर 7, एन बराबर 1। दोनों को एक दोनों के साथ हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, अंतर इतना ही है कि दो के डिफरेंस पर व सात के डिफरेंस पर। इधर भी लिखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर भी लिखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू इसमें 63 है, एन तो निकालना ही है, इसमें डी का वैल्यू आपका 2 है, ए का वैल्यू इसमें 3 है, एन को निकालना ही है, डी का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू 10 है, डी का वैल्यू 10 है, ए डी बराबर 7। अब चलिए 63 दो गुना एन 2n-2 बराबर 3 प्लस 10 गुना एन 10n, 10 एका 10 2n, 63 में 2 गया 61 प्लस 2n, इधर हो गया 3 में 10 गया माइनस 7 प्लस 10 है 2n, इसको इधर लाइए माइनस 10n, माइनस 7 इसको इधर ले जाइए माइनस 61, 2 में 7 गया कितना हुआ माइनस 8n, इधर हो गया 7 एक 8, इधर हो गया 78, एन बराबर एन का देखते हैं 19 हो रहा है 63-65, ये आपका सही देखिए एपी 63-65-67, ठीक है, उधर एपी आपका है 3-3-10-17, 3-10-17, ए का वैल्यू 63, ए का वैल्यू 63, डी का वैल्यू 65 घटाओ 63 2, ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 10 में 3 गया 7, 10 में 3 गया 7, ठीक है, ए का वैल्यू 63, एन का एन का गया 1, डी का वैल्यू आपका हो गया इसमें डी का वैल्यू 2 हो गया, इसमें डी का वैल्यू 7 नहीं, आप देखिए 7 होगा, हम 10 लिखेंगे, ये भाई मिस्टेक हुआ है, वहां हम लोग डी का वैल्यू लिख दिए थे 10। अब देखिए 63 2 गुना एन 2n-2 3, 7 गुना एन 7n-7 2n-7n, इधर हो गया 3 में 7 गया माइनस 7, इसको इधर लाइए प्लस 2, इसको इधर लाइए माइनस 63, 2 में 7 गया माइनस 5n बराबर 63 4 67, 67 में 2 गया माइनस 65, माइनस 5 काट दीजिए, एन बराबर 65 बटा 5 13/65, 13 टर्म इसमें भी सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, और इसमें भी जब हम सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो 13वां जो टर्म होगा दोनों में एक ही नाम से आएगा, 13वां जो टर्म होगा दोनों में एक ही नाम से आएगा, 63-65-67 तीन टर्म ले चुके हैं, 10 टर्म और बढ़ेंगे
इसमें भी 10 टर्म और बढ़ेंगे, दोनों में एक ही नाम से सेम टर्म आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका 13 से 15 तीन सवाल मैंने आपको गेट किया, क्योंकि ज्यादा देना भी एक बर्डन सा आपको फीलिंग होगा, विषय वस्तु के प्रति निराशा लाएगी, इसे आपको गेट करेंगे। कल पुनः ऑनलाइन क्लासेस में इससे हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारा डेट होगा तो इंटरनल असाइनमेंट, होमवर्क, क्लियर कॉपी, जो भी डायरेक्शन देना होगा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।